हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो भारत की नौसेना से संबंधित है। तो इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसेना युद्ध पोत वगशीर जो है उसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है मुंबई में। यहां पर इसकी अब रेगरस टेस्टिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद इसको भारतीय नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये INS वगशीर जो है वो एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। तो विस्तार से इसके विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशरी हो और किसी स्टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन को शानदार बनाने के लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को ईजी बनाकर जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो कि 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जिसका नाम है INS वगशीर, इसको लॉन्च कर दिया गया है मुंबई में। दोस्तों, एक एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या है यह भी हम समझेंगे। तो 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि बनाई गई है मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में, इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। ये INS वगशीर जो है इसको बना करके अब समुद्र में उतार दिया गया है। यहां पर इट विल अंडरगो रिगरस ट्रायल्स एंड टेस्ट्स बोथ इन हार्बर एंड एट सी बिफोर इट इज कमीशन इनटू नेवी। दोस्तों, ये सबमरीन है, पनडुब्बी है, समुद्र के बीच रह करके इसको स्ट्रेटेजिकली जो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट करना है। तो इसको बना करके समुद्र में उतारा गया है। इस समुद्र में इसके ट्रायल्स होंगे कि जिन पर्पजेज के लिए इसको बनाया गया है, क्या उन पर्पजेज को ये INS वगशीर फुलफिल करता है। उसके जब ये ट्रायल्स और टेस्ट सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मोस्ट रिसेंट तस्वीर है जब इस INS वगशीर को लॉन्च किया गया है। ये 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है। दोस्तों, स्कॉर्पियन सबमरीन क्या है, प्रोजेक्ट 75 क्या है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। INS वगशीर का नाम जो है वो एक सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडियन ओशियन में पाई जाती है, सी प्रेडिएटर है, एक घातक मछली है, शिकारी है ये सैंड फिश जिसको कहा जाता है, ये वगशीर के नाम से जानी जाती है और उसी वगशीर के नाम पर इस स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम जो है वो रखा गया है। दोस्तों, ये वगशीर जो है दूसरी बार भारत में सबमरीन वगशीर के नाम से सबमरीन जो है वो लॉन्च हुई है। इससे पहले जो सबसे पहली वगशीर सबमरीन थी उसको 1974 में नौसेना में शामिल किया गया था और अप्रैल 1997 में उसको डीकमीशन कर दिया गया था। तो वगशीर नाम से और पहले भी एक सबमरीन जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल थी, लेकिन 1997 में उसको उसकी सेवाओं को जो है वो बंद कर दिया गया था। ये शिप, ये जो सबमरीन बिल्डिंग है, ये मजगांव डॉक पर हो रही है। मजगांव डॉक हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ बिल्डिंग 6 सबमरीन्स अंडर द प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम। तो दोस्तों, पहले जानेंगे ये प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम क्या है। दरअसल दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि देश के पास अपनी 24 सबमरीन्स होनी चाहिए, देश के पास अपनी पनडुब्बियां जो है वो होनी चाहिए, हम खुद अपनी पनडुब्बियां तैयार करेंगे। इस उद्देश्य के साथ में प्रोजेक्ट 75 को शुरू किया गया था 1997 में। 1997 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फैसला किया कि हम अपने लिए खुद की सबमरीन्स बनाएंगे। दोस्तों, 1997 में ये फैसला लिया गया, अभी 1998 में ये डिसीजन चल ही रहे थे, थॉट प्रोसेस हो रहा था कि किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से, किस देश की मदद से हम अपनी सबमरीन्स जो है वो बनाएंगे। इस दौरान भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में भारत को लगा कि नहीं, हमारे पास एक स्ट्रांग सबमरीन फ्लीट का होना बहुत जरूरी है, जिस वजह से इमीडिएटली आफ्टर कारगिल वॉर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक 30-ईयर सबमरीन प्लान बनाया जाएगा। अगले 30 सालों में लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन जो है वो भारत के लिए तैयार की जाएंगी। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में प्रोजेक्ट 75 को, जो कि ऑलरेडी 1997 में अप्रूव किया गया था, कारगिल वॉर के बाद 1998 में सरकार को लगा कि हमारे पास एक प्रॉपर
पर फ्लीट होना चाहिए जिसमें हम अगले 30 सालों तक अपने लिए स्पेशलाइज सबमरीन तैयार करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट 75 को इस प्लान के अंदर शामिल कर लिया कि ऑलरेडी हम प्रोजेक्ट 75 में सबमरीन बना रहे हैं, इसको इस पूरे के पूरे प्लान में शामिल कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ एक पैरेलल प्रोडक्शन प्लान भी शुरू किया गया। उस पैरेलल प्रोडक्शन का प्लान का नाम था प्रोजेक्ट 75i। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों क्या हुआ, 1997 में हमने सरकार ने फैसला लिया कि प्रोजेक्ट 75 शुरू करेंगे जिससे हम अपने लिए सबमरीन्स बनाएंगे। लेकिन 1999 कारगिल युद्ध हुआ, अब हमको लगा कि नहीं, हमको स्पेशलाइज्ड और बड़े फ्लीट की जरूरत थी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम अगले 30 साल तक स्पेशलाइज्ड सबमरीन्स बनाएंगे जो कि दो प्रोडक्शन लाइंस पे बनेंगी। एक था प्रोजेक्ट 75 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, और दूसरा नया प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75i। यहां पे आई जो है इट स्टैंड्स फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो अब दो पैरेलल प्रोग्राम्स के तहत सबमरीन्स जो है वो भारत में बन रहे थे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स जो है वो बनने थे, जिसमें 6th सबमरीन जो है वो अब बनकर के तैयार हो गया है और इसको लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत एक समझौता हुआ, फ्रेंच नेवल कंपनी जिसका नाम था DCNS, ये फ्रांस की नेवल कंपनी थी जो सबमरीन्स बनाती थी, उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर करेंगे, जिसके टेक्नोलॉजी की मदद से सबमरीन्स बनाए जाएंगे। यानी कि इंडिया और फ्रेंच कंपनी DCNS ने मिलकर के ये सबमरीन्स तैयार करे हैं। 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ और उसके बाद 6 सबमरीन्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन मजगांव डॉक लिमिटेड में शुरू हो गया। ये मजगांव डॉक लिमिटेड अगर मैप के माध्यम से देखें तो दोस्तों मुंबई का कोस्टल एरिया है ये मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई और नवी मुंबई का इलाका आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है मजगांव डॉक लिमिटेड। यहां पर इन सबमरीन्स को बनाया गया। टोटल 6 सबमरीन्स थी जो कि यहां पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट 75 के तहत बननी थी। सबसे पहली सबमरीन INS कलवरी और INS कंधेरी, सबसे पहली स्कॉर्पियन सबमरीन थी INS कलवेरी, जिसको लॉन्च किया गया था 21 सितंबर 2017 को। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था कलवेरी को 2017 में। सितंबर 19, 2019 को दूसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कंधेरी को शामिल कर लिया गया था नौसेना में। उसके बाद दोस्तों INS करंज और INS वेला, इनको 2021 में शामिल कर लिया गया था लास्ट ईयर। इनकी डिलीवरी जो है वो लेट हुई थी ड्यू टू पेंडेमिक, लेकिन फिर भी एक साल के अंदर ही 2021 में ही ये दोनों को जो है वो कमीशन कर दिया गया था। 4 जो है वो नौसेना में शामिल हो गई। दोस्तों जो 5th सबमरीन है INS वागीर जिसका नाम है, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और इसके सी ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं। तो 4 जो है वो ऑलरेडी नौसेना का हिस्सा बन चुकी है, INS वगीर के ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं, और जैसे ये ट्रायल्स कंप्लीट होंगे इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, इसको कमीशन कर लिया जाएगा। और उसके बाद हमारी 6th सबमरीन जो है उसको लॉन्च किया गया है और ये ट्रायल्स के बाद नौसेना में शामिल होगी। दोस्तों हमने बार बार ये टर्म इस्तेमाल किया, ये था स्कॉर्पियन सबमरीन, तो जानना जरूरी है स्कॉर्पियन सबमरीन क्या है। दोस्तों दरअसल स्कॉर्पियन सबमरीन एक क्लास ऑफ सबमरीन्स को नाम दिया गया है, फ्रेंच क्लास ऑफ सबमरीन्स को। तो ये स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो है वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स है, जिनके अंदर बहुत ही आधुनिक सुविधाएं हैं। जैसे इसके अंदर सुपीरियर स्टेल्थ फीचर्स हैं, यानी कि अपने आप को दुश्मन की या किसी की भी नजर से छुपाने की काबिलियत, स्टेल्थ अपने आप को छुपाने के तरीके जो हैं वो इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में मौजूद है। अब अपने आप को कैसे छुपा सकती है, इसमें एडवांस्ड एकॉस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक है। ये क्या होता है दोस्तों, एकॉस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक, की सबमरीन के चलने के कारण जो आवाज निकलती है सबमरीन में, वो काबिलियत है कि ये उस आवाज को सप्रेस कर सकती है। इसके मूव करने की आवाज या इसके इंजन की आवाज तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगी किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम तक। इसके अलावा लो रेडिएटेड नॉइस, दोस्तों इंजन नॉइस आदि को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का हैवी वेसल, हैवी व्हीकल जब समुद्र के अंदर चलेगा तो उससे वाइब्रेशंस या रेडिएशन पैदा होगी, इन वाइब्रेशंस और रेडिएशंस को भी कंट्रोल कर सकती है ये सबमरीन, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इसके अलावा इनका हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप है। अभी हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा हाइड्रोडायनामिक्स को। दोस्तों हाइड्रोडायनामिक्स जो है ये दरअसल फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द मोशन ऑफ फ्लूइड्स। कोई फ्लूइड कैसे मूव करता है उसको स्टडी किया जाता है फिजिक्स के अंतर्गत हाइड्रोडायनामिक्स में। और साथ ही साथ हाइड्रोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब पानी में डाला जाएगा, किसी फ्लूइड में डाला जाएगा, तो वो किस तरीके से मूव करेगा। दोस्तों आपने सबमरीन्स की शेप देखी है, सबमरीन्स की शेप
कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की सबमरीन की शेप जो है वो होती है। क्या ऐसी ही शेप हमारी फिशेस की नहीं होती? ये जो आप शेप देख रहे हैं क्या इस प्रकार की मछलियां नहीं होती हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों चाहे मछली बड़ी हो चाहे छोटी हो इस प्रकार की एक शेप में होती है? कभी इस तरीके की मछली देखी है आपने? बिल्कुल ऐसी स्क्वेयर शेप की मछली या रेक्टेंगल शेप की मछली, क्योंकि ऐसी मछलियां क्यों नहीं है? मैक्सिमम फिशेस जो है वो इस पर्टिकुलर शेप की क्यों है दोस्तों? उसके पीछे फिजिक्स जो है, साइंस जो है वो काम करती है, ये है हाइड्रोडाइनेमिक्स। अगर मछली बिल्कुल इस तरीके की होती तो इसको मूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती, क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है जिसकी वजह से ये मछली जो है वो मूव नहीं कर पाती, या इन दैट केस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाता। इस तरीके का हाइड्रोडाइनेमिक डिजाइन जो है वो इस फ्लूइड को फोर्स करता है कि ये इसकी साइड्स पे चला जाए जिससे इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाए। तो इस तरीके से सबमरीन्स बनाई जाती हैं। यही सेम डिजाइन जो है वो एयरप्लेन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? उस वहां इसको कहा जाता है एरोडाइनामिक डिजाइन दोस्तों। जिस तरीके से ये फोर्स फ्लूइड एग्जर्ट करते हैं उसी तरीके से हवा भी जो है एक फोर्स एग्जर्ट करती है। वहां पर भी सेम लॉजिक है कि हवा इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट से पास हो जाए और इसके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। तो इस प्रकार का स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोडाइनामिक शेप जो है वो इन स्कॉर्पियन सबमरीन्स का। इसके अलावा इनके अंदर ये भी काबिलियत है कि ये दुश्मन के प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स की मदद से दुश्मन के निशानों को जो है, टारगेट्स को जो है वो ध्वस्त कर सकता है। तो किसी के नजर में आए बिना, कोई वाइब्रेशन पैदा किए बिना, अपने हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन के कारण इजीली मूव करते हुए ये दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। ये क्वालिटीज है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो भारत ने इस प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार करी। स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो बहुत सारे काम कर सकती है। ये एंटी सरफेस वॉरवेयर यानी कि समुद्र में रह करके जमीन आदि पे हवा में वार कर सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर समुद्र में रहकर दूसरी सबमरीन को निशाना बना सकती है। ये क्योंकि बिल्कुल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से चलती है, बिल्कुल किसी की नजर में आए बिना ये मूव कर सकती है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है, माइंड लेइंग का काम करती है। दुश्मन के सबमरीन को निशाना बनाने के लिए समुद्र के अंदर माइंस बिछा सकती है, एरिया सर्वेलेंस कर सकती है। तो बहुत सारी इसके फीचर्स जो हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स को स्पेशल बनाती है। और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो है वो अलग अलग क्लास की भारत के पास अब मौजूद है दोस्तों। स्कॉर्पियन सबमरीन्स न्यूज में आई थी 2020 में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डेटा लीक जो है वो हुआ था। ये चीज सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर में भारत द्वारा बनाई जाने वाली स्कॉर्पियन सबमरीन्स का पूरा डेटा लीक हो गया था कि क्या विशेषताएं हैं इन स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, क्या इनकी कैपेबिलिटीज हैं दोस्तों। इस तरीके से ओपन डोमेन में जब ये पूरा का पूरा डेटा आया, यानी कि अब हमारे दुश्मनों को भी मालूम था कि हमारे पास उनसे लड़ने के लिए किस प्रकार की सबमरीन्स या किस प्रकार के हथियार मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय जो है, एक समस्या जो है वो सामने आई थी इस प्रकार से, जब इतना सीक्रेट डेटा जो है वो लीक हो गया था। बाद में चीज सामने आई थी कि DCMS वो कंपनी जो कि फ्रेंच नेवल कंपनी थी, उसके ही एक एम्प्लॉय ने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा करी थी। तो स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में उस समय रही थी। आई होप दोस्तों हमको यहां तक स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट 75 समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने आपसे बात करी कि कारगिल युद्ध के बाद सरकार ने 2 प्रोजेक्ट्स की बात करी थी। एक था प्रोजेक्ट 75 जो ऑलरेडी उस टाइम पे शुरू हो चुका था, और दूसरा था प्रोजेक्ट 75 I। तो प्रोजेक्ट 75 I की अगर हम बात करें तो ये अगेन इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन है सबमरीन्स की। ये सबमरीन्स वो होंगी जिनमें फर्दर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबमरीन जो है वो समुद्र के अंदर पानी की गहराइयों में मूव कर सकती है, लेकिन बार बार इनको सरफेस पे आना पड़ता है क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है दोस्तों, इस प्रकार की सबमरीन्स में ये क्वालिटी होती है कि ये सबमरीन्स जो है वो अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार सरफेस पे आके ऑक्सीजन कलेक्ट कर लें, उसके बाद एक हफ्ता कम से कम ये सरफेस के नीचे रह सकती है। तो इस प्रकार की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, प्रोपल्शन क्या होता है, इसके अंदर चलने वाली इंजन प्रणाली जो है उसको हवा की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम हवा की जरूरत पड़ती है। तो अब इस प्रकार की सबमरीन्स जो है वो प्रोजेक्ट 75 I के तहत, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनाई जाएंगी, जिसमें करीब 43,000 करोड़ की लागत जो है वो आएगी। तो ये प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी जो है वो दी गई थी, और अब लेटेस्ट सबमरीन जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी। आई होप दोस्तों विस्तार से समझ पाए होंगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल स्कॉर्पियन सबमरीन क्या है,
कौन कौन से सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है, प्रोजेक्ट 75 आई क्या है, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप हम विस्तार से सब चीजें समझ पाए होंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम प्रेपरेशन में इन्वॉल्व है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड SHUBH33 कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।